सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आलू का भुंजिया ऑलमोस्ट मेरा तैयार हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इधर रोटी जब तक सेक लेती हूँ। और बहुत दिन बाद मेरा ब्लॉग वाला वीडियो जाएगा फ्रेंड्स, और आप लोग नहीं देखते मेरा ब्लॉग वीडियो, इसी चलते मुझे बनाने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा दिल छोटा हो जाता है, इसी चलते उतना दिन से मैं ब्लॉग वाला वीडियो नहीं डाल रही थी फ्रेंड्स। 4 से 5 दिन हो चुका है मेरा ब्लॉग गया हुआ, फिर भी मुझे जितना समझ में आ रहा है फ्रेंड्स मैं उस तरह का ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि किस तरह से मैं ब्लॉग वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को पसंद आए। यहाँ पर बच्चे लोग का लंच बॉक्स पैक कर दिए हैं, अब ये लोग शूज पहन के चले जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और स्वागत है आप सभी का रूबी फैमिली चैनल में। यहाँ पर बच्चे लोग के कुछ कपड़े फट गए थे, उसे मैं सिलाई कर रही हूँ हाथों से ही, मशीन तो है नहीं, हाथ से ही जो थोड़े बहुत कपड़े फट उठ जाते हैं उसे मैं सिल लेती हूँ। चलिए सिलाई कर लेते हैं। अब बच्चे लोग तो स्कूल गए हैं, चले गए हैं अब सुबह सुबह, इसे मुझे धोना है तो इसी चलते मैं पहले इसको सिलाई कर लेती हूँ इस पैंट का, उसके बाद इसे मैं धो दूँगी। और टेलर के पास जाती तो 10 से 5 रुपया तो ज़रूर लग जाता, इसी चलते मैं इसे अपने हाथों से ही सिल लेती हूँ। और 10-5 रुपये बचाने के लिए तो ये काम मैं कर ही सकती हूँ। हम लोग मिडिल क्लास वाले फैमिली हैं, हम लोग के लिए 1-1 रुपया भी मायने रखता है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से सिलाई कर लेती हूँ सबसे पहले। और ये कपड़ा ज़्यादा ही हार्ड है, इसमें सुई जाने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं इसे अच्छी तरह से सिलाई कर लूँगी। अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है सिलने के लिए, ये देखिए सिलाई हो गया है। ऐसे में जब सिली थी तो इस आगे से एक भी नहीं दिख रहा था कि इस पर मैं हाथों से सिलाई की हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से सिलाई हो गया था। अब प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा अब मेरा डीमोटिवेट मैं होते जा रही हूँ फ्रेंड्स, अब मुझे वीडियो बनाने का भी नहीं मन करता है। आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखिए सिलाई हाथों से की हूँ, दिख भी नहीं रहा है, बहुत अच्छी तरह से सिलाई हो गया है। अब इसे मैं धो दूंगी, ये देखिए फ्रेंड्स पता भी नहीं चल रहा है कि इसे मैं हाथों से सिली हूँ। चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर सुबह सुबह मैं गर्म पानी नहीं पी थी, सबसे पहले बच्चे लोग को स्कूल से भेजने के बाद सिलाई करने के लिए बैठ गई थी, और यहाँ पर अब मैं गर्म पानी हल्का गुनगुना पी लेती हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया, इसमें ठंडा पानी मिला के पी लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी चाय वगैरह बनाने, उसके बाद बनाऊँगी चाय। दूध गर्म हो रहा है, जब तक पानी को फिनिश कर लेते हैं उसके बाद बनाऊँगी चाय। अब बाकी देखिए मेरा रूम का हाल, अभी सब समेटना है पूरा रूम, अभी पूरा काम मेरा मॉर्निंग का बचा हुआ है। अब जाती हूँ जल्दी से चाय पीऊँगी, उसके बाद सारा काम शुरू करूँगी। आपको दिखाती हूँ बाथरूम में भी ढेर सारा कपड़ा रखा हुआ है, ये देखिए जूते हैं, बच्चे लोग के ड्रेस हैं वाइट वाले, सबको सर्फ में डाल दिए हैं और जूते को भी। अभी बहुत ज़्यादा काम है सुबह सुबह का, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पर ख़त्म करूँ। और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग यहीं पर अब ख़त्म हो रहा है फ्रेंड्स, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा चाय भी बन रहा है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ।